शिवसेना नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मौजूदा एनडीए सरकार की बिहार से विदाई तय है। राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को दैनिक भोजन की थाली में पोषण तत्व बढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर पोषण वाटिका लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पोषण वाटिका को विकसित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के साथ तालमेल स्थापित किया जा रहा है। 57 साल बाद आज दरभंगा से यात्री उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। वहीं नवनिर्मित सिविल एनक्लेव का आज उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 150 यात्रियों की चेकिंग एरिया की क्षमता होगी। राजधानी पटना में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को पटना एम्स में मधुबनी के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा सहित 7 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। वहीं एनएमसीएच में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। जहानाबाद के अमथुआ गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार अपने खेत में मोटर चला रहे थे, इस दौरान करंट लगी। वहीं इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्णिया जिले में राजनेता बिट्टू सिंह के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि अंतिम चरण के वोटिंग के दिन ही यह घटना हुई, जिसको लेकर इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। परिजन स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं। हम लोग ने बोला है कि जिसका भी वो लोग नाम देंगे तो पूर्णिया पुलिस एकदम कार्रवाई करेगी, जिससे भी साक्ष्य आएगा हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ बाइक बरामदगी की बात है? 4 बाइक यहाँ पे हम लोग को सड़क पर मिली है, जिसको पुलिस के द्वारा सीज किया गया है।